हेलो गाइस, वेलकम टू डेवको। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। मुझे पता है कि आप सभी लोग 1 अप्रैल का वेट कर रहे हो, बिकॉज 1 अप्रैल को हर साल की तरह इस साल भी आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस एसओ का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। ठीक है, तो उसी का ही चलते हैं। मैं आज आप लोगों के साथ आईबीपीएस क्लर्क का स्टेट वाइज कट ऑफ कितना हो सकता है मेंस का, वो आप लोगों से डिस्कस करूंगा। उसके साथ साथ फाइनल वैकेंसी कितना तक जाने का चांसेस है आईबीपीएस क्लर्क का, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रखिएगा। इसमें हम लोग दो चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक, एट प्रेजेंट आईबीपीएस क्लर्क में कितना वैकेंसी रिपोर्ट किया गया है, ठीक है, एंड ये कितना तक जाने का चांसेस है और उसका रीजन क्या है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा, कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है इस बार आईबीपीएस क्लर्क का स्टेट वाइज, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका बेस होगा वैकेंसीज, कंपटीशन, डिफिकल्टी लेवल, एंड अगर कोई भी स्टेट में वैकेंसीज ज्यादा है और उसका नियर बाई स्टेट में वैकेंसीज कमती है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये सारा फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए ही आज हम एक्सपेक्ट कट ऑफ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, एट प्रेजेंट आउट ऑफ 11 बैंक, 8 बैंक ने अपना वैकेंसीज रिपोर्ट किया है। अगर आप आईबीपीएस का नोटिफिकेशन वेबसाइट में जाकर नोटिफिकेशन चेक करोगे, वहां पे 4545 वैकेंसी ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, हालांकि रिमेनिंग जो वैकेंसीज है वो जो बच्चों ने आरटीआई किया था, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो, यूट्यूब हो, वहां पे जो शेयर किया उसी से ही मैंने कलेक्ट किया हूं। ठीक है, हालांकि वो चीजें ऑथेंटिकेट होता है, उसमें गलती होने का चांसेस बहुत कम ही होता है। तो वही चीजों को देखते हुए एट प्रेजेंट जो वैकेंसी रिपोर्टेड है वो है 7345। ठीक है, हालांकि अभी 3 बैंकों ने अभी तक वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं किया, उनमें से है यूनियन बैंक, यूको बैंक एंड इंडियन ओवरसीज बैंक। अगर मैं लास्ट 2 साल का बात करूं, 2022 में यूनियन बैंक में 1260, यूको बैंक ने 374 एंड ओवरसीज बैंक ने 328 नियर बाय 1900 वैकेंसी रिपोर्ट किया था। ठीक है, एंड 2021 का बात करूं, 2021 में यूनियन बैंक ने 2324, यूको बैंक ने 520 एंड ओवरसीज बैंक ने 228 नियर बाय 3000 वैकेंसीज इन्होंने भी रिपोर्ट किया था। तो अगर ये चीजों को कंसीडर करता हूं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस बार ये तीनों बैंक नियर बाय 1000 वैकेंसीज तो जरूर रिपोर्ट करेंगे ही। अगर 1000 वैकेंसी भी रिपोर्ट करता है मिनिमम, तो हम लोगों का जो वैकेंसीज है वो नियर बाय 8300 का अप्रोक्सीमेटली पहुंच जाएगा। हालांकि मुझे लगता है कि इस बार जो वैकेंसीज है 8500 का आसपास होना चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये तो बैंक वाइज डिटेल था, ये आप लोगों को पता चल गया है। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टेट वाइज कट ऑफ कितना हो सकता है, इसके बारे में डिटेल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट जो स्टेट है छत्तीसगढ़ है। अभी छत्तीसगढ़ का जो वैकेंसीज है, अगर मैं 2021 का बात करता हूँ, 2021 में था 199, ठीक है, एंड 2022 में 104 हुआ एंड इस बार 135। ठीक है, तो हालांकि इस बार मुझे नहीं लगता है कि रियली कोई भी स्टेट कट ऑफ 42-43 का रेंज में जाना चाहिए। इसका रीजन यह है कि 2023 में वैकेंसी भी अच्छा खासा देखने को मिला। उसके साथ साथ अगर दूसरा चीजें बोलूं कि इस बार जो डिफिकल्टी लेवल है वो कहीं ना कहीं मुझे लास्ट 2-3 साल, अगर 4 साल से कंपैरिजन करूं, मुझे ज्यादा लगा। ठीक है, उसका साथ और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आरआरबी पीओ का बात बोले, क्लर्क का बात बोले, आईबीपीएस पीओ का बात बोले, या कोई भी एग्जाम का ही अगर मैं बात बोलूं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेंस का जो मार्क्स हो या प्री का जो मार्क्स हो रहा है ना, वो बच्चों को बिलो एक्सपेक्टेड मिला है। कोई बच्चे को एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिल जा रहा है, कोई बच्चों को एक्सपेक्टेशन से बहुत ही लो मिल रहा है। हालांकि लो मिलने का जो रेशियो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू ज्यादा मिलने का रेशियो। ठीक है, तो इसीलिए मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस बार जो कट ऑफ होगा, मैक्सिमम अगर कोई स्टेट का जा सकता है तो वो 40 या उसके आसपास, 43-44 जाने का मुझे चांसेस बहुत ही लो लग रहा है। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ का मुझे जो लग रहा है कि इस बार जो वैकेंसी इंक्रीजेस है, और लास्ट ईयर से 31 वैकेंसी इंक्रीजेस है, एंड मुझे जो लग रहा है कि 34 प्लस माइनस 2 का रेंज होना चाहिए। ठीक है, अगर दिल्ली का बात बोलूं, देखिए दिल्ली में भी लास्ट ईयर 295 वैकेंसीज था, इस बार 315 है। ठीक है, 20 वैकेंसी ज्यादा है, तो मुझे लग रहा है कि 36 प्लस माइनस 2 का रेंज होना चाहिए। अगर गुजरात का बात करो, देखिए गुजरात में 495 वैकेंसीज है, लास्ट ईयर से आपका 191 वैकेंसीज क्या है, ज्यादा है। हालांकि
गुजरात का वैकेंसी ज्यादा होने के साथ साथ इनका जो नियर बाय स्टेट्स है, जो एमपी हो सकता है या महाराष्ट्र हो सकता है, उनका भी बच्चे यहाँ पे अप्लाई करने का चांसेस है। स्टिल मुझे जो लगता है कि गुजरात का जो कट ऑफ इस बार होना चाहिए वो 33 प्लस माइनस 2 का रेंज होना चाहिए। अगर मैं हरियाणा का बात करता हूँ, हरियाणा का में इस बार वैकेंसी 190 है, ठीक है, 52 वैकेंसी लास्ट ईयर से ज्यादा है, तो मुझे जो लग रहा है कि 36 प्लस माइनस 2 का रेंज होना चाहिए बिकॉज हरियाणा एक कॉम्पिटेटिव स्टेट है। कर्नाटका का अगर बात करता हूँ, कर्नाटका में इस बार अच्छा खासा वैकेंसी है, उसके साथ साथ तमिलनाडु में भी इस बार अच्छा खासा वैकेंसी है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी चीजें आप लोगों को देखना पड़ेगा कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इसमें वैकेंसीज लो है। तो मैं एक चीज बार बार बोलता हूँ कि जो साउथ स्टेट का बच्चे हैं वो लोग मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि उनका जो साउथर्न स्टेट होते हैं ना, लाइक कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, ये स्टेट से अप्लाई करना प्रीफर करते हैं। तो हालांकि इस बार कर्नाटका में एंड तमिलनाडु में वैकेंसीज अच्छा खासा है, तो मुझे लगता है कि उन दोनों में बाहर दूसरे स्टेट्स का आके अप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। तो कर्नाटका में इस बार 134 वैकेंसीज है, मुझे जो लगता है कि जो कट ऑफ होगा वो 32 प्लस माइनस 2 का रेंज होना चाहिए। अगर केरला का बात करता हूँ, केरला में भी इस बार लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 27 वैकेंसी ज्यादा है, तो 36 प्लस माइनस 2 का रेंज होना चाहिए। अगर एमपी का बात करता हूँ, एमपी में भी इस बार अच्छा खासा वैकेंसीज है, तो 33 प्लस माइनस 2 का रेंज होना चाहिए। अभी देखिए मणिपुर, नागालैंड, इसमें क्या होता है कि ये स्टेट्स में कॉम्पिटिशन को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, स्टिल 30 का रेंज में मेरे हिसाब से होना चाहिए। अगर राजस्थान का बात करता हूँ, राजस्थान में इस बार 231 वैकेंसी ज्यादा है, तो इसीलिए मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि 34 प्लस माइनस 2 का रेंज होना चाहिए, ठीक है। तमिलनाडु मैंने बोला ही है कि थोड़ी देर पहले कि तमिलनाडु में भी इस बार वैकेंसी क्या है, बहुत ज्यादा है, अच्छा खासा वैकेंसी इंक्रीज होकर रखा हुआ है। तो जो आंध्र प्रदेश में जो बच्चे का, मान लीजिए कि जो आंध्र प्रदेश में जहाँ वैकेंसी लो है, तो वहाँ के बच्चे या तो कर्नाटका या तो तमिलनाडु से अप्लाई करना प्रेफर करेंगे। स्टिल मुझे लग रहा है कि 33 प्लस माइनस 2 का रेंज होना चाहिए, ठीक है। त्रिपुरा, हालांकि त्रिपुरा के बच्चे आसाम से भी अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो मुझे लगता है कि 37 का रेंज होना चाहिए। लास्ट ईयर 40 पे बहुत हाई रेंज था, इस बार थोड़ा सा लो होना चाहिए। यूपी का अगर बात करता हूँ, स्टिल एट प्रेजेंट 1250 का जैसा वैकेंसी है, लास्ट ईयर से ज्यादा है। अगर वो तीनों बैंक अपना वैकेंसी रिपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे वैकेंसी और भी बढ़ने का चांसेस होगा। तो यूपी में हाई वैकेंसी होने के साथ साथ एक अच्छा होता है कि बिहार का जो बच्चे होते हैं वो यूपी से आके ही ज्यादातर अप्लाई करते हैं, तो वो भी एक अच्छा खासा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। स्टिल मुझे लगता है कि 37 प्लस माइनस 2 का रेंज होना चाहिए। यूके का अगर बात करता हूँ तो 35 प्लस माइनस 2 का रेंज होना चाहिए बिकॉज इसमें भी वैकेंसी लास्ट ईयर से क्या ज्यादा है। तो देखिए अभी जो स्टेट्स मैंने आप लोगों से डिस्कस किया ये था जिनका वैकेंसी भरा हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा उस स्टेट का जहां पे जिसका वैकेंसी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में नियर बाय, वैसा सिर्फ 5 ही स्टेट है जिनका जो वैकेंसी है वो नियर बाय है। इन्हें फर्स्ट आता है आसाम। देखिए असम में 124 वैकेंसी है, लास्ट ईयर जो फाइनल वैकेंसी आया था वो तो 157। तो असम इंजीनियरली एक मॉडरेट कॉम्पिटिटिव स्टेट है। हालांकि एट प्रेजेंट क्या हो रहा है कि दूसरे स्टेट्स में वैकेंसीज ना होने के कारण असम से अप्लाई करते हैं, इनमें सबसे ज्यादा होता है वेस्ट बंगाल के बच्चे और एसबीआई क्लर्क में भी देखा गया है। लेकिन आईबीपीएस कटा में मुझे लग रहा है कि वेस्ट बंगाल से उतना ज्यादा बच्चे नहीं आएंगे बिकॉज आईबीपीएस क्लर्क में वेस्ट बंगाल में भी अच्छा खासा वैकेंसी है। स्टिल मुझे लग रहा है कि असम का जो कट ऑफ होगा वो 33 प्लस माइनस 3 ही होगा, ठीक है, ये आउट ऑफ 100 है, ठीक है। बिहार का अगर बात करूं तो वैकेंसी मोर और लेस सेम ही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 2023 में बिहार के लिए एक खुशखबर क्या है कि बिहार का जो कट ऑफ है वो अनएक्सपेक्टेड देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से अगर जाऊं मुझे नियर बाय 35 के नीचे ही आने का चांसेस मुझे ज्यादा लग रहा है। हिमाचल प्रदेश का अगर बात करूं 86 है कट ऑफ, सॉरी वैकेंसी 86 है, लास्ट ईयर से 5 कमती है, तो 35 का रेंज मुझे जाना चाहिए मुझे लग रहा है। झारखंड का बात करूं तो 9 वैकेंसी कमती है, तो इसका भी मुझे 35 प्लस माइनस 2 का रेंज जाना चाहिए जैसे लग रहा है। पंजाब का अगर बात करूं तो पंजाब एक हाईली कॉम्पिटेटिव स्टेट है, लेकिन स्टिल यहाँ का वैकेंसी जो है वो अच्छा खासा है, 337 है, तो 36 प्लस माइनस 2 का रेंज मुझे मेरे हिसाब से जाना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया 5 वो स्टेट जहां का वैकेंसी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में नियर बाय है। तो अभी हम लोग लास्ट वाला जो पार्ट है वो होगा जिनका जो वैकेंसी है वो लास्ट ईयर से कमती है। इनमें फर्स्ट होगा आंध्र प्रदेश, जो मैंने थोड़ा ही देर पहले बोला ही था कि आंध्र प्रदेश का इस बार जो वैकेंसी है वो उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो 98 वैकेंसी क्या है, कमती है। तो स्टिल मुझे लग रहा है कि
इसका जो 38 प्लस माइनस 2 का रेंज होना चाहिए, बिकॉज देखिए अगर मैं 2021 में का बात करूं 493 था, उसके बाद 22 में भी वैकेंसी डाउन हुआ है। देखिए जब वैकेंसी बढ़ता है ना तो क्या होता है कि उस स्टेट में नियर नियर बाय बच्चे आके भी अप्लाई करते हैं, तो इस बार वैकेंसी कम है तो बाहर के बच्चे अप्लाई नहीं करेंगे एंड जो कुछ कुछ बच्चे बाहर भी चले जाएंगे, तो उसी हिसाब से मुझे लगता है कि 38 प्लस माइनस 2 का रेंज होना चाहिए। ठीक है, अगर अरुणाचल की बात करता हूँ 34, क्योंकि अरुणाचल उतना हाईली कॉम्पिटेटिव स्टेट नहीं है, सेम टू सेम गोवा के केस में भी है। ठीक है, तो जेएनके का बात करता हूँ, जेएनके भी एक अच्छा खासा कॉम्पिटेटिव स्टेट है, वैकेंसी इस बार कमती है, तो मुझे लग रहा है कि 38 प्लस माइनस 2 का रेंज होना चाहिए। ठीक है, महाराष्ट्र का जहाँ पे वैकेंसी इस बार क्या है 220 वैकेंसी कमती है, हालांकि महाराष्ट्र के बच्चे का पास टारगेट होता है वो कर्नाटका से भी अप्लाई कर सकते हैं, गुजरात से भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनका नियर बाय स्टेट होता है। ठीक है, तो 37 का रेंज मेरे हिसाब से होना चाहिए, जैसे मैंने मिजोरम एंड नागालैंड के लिए बोला था, सेम चीज मेघालय मिजोरम ये दोनों स्टेट भी क्या होता है कि प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, स्टिल मुझे लग रहा है कि 30 का रेंज में दोनों का कटा आना चाहिए। उड़ीसा का अगर बात करूं तो उड़ीसा ऑलरेडी एक हाईली कॉम्पिटेटिव स्टेट है, उनमें उड़ीसा का जो वैकेंसीज है वो लास्ट ईयर से नियर बाय 40 वैकेंसीज करती है, स्टिल मुझे जो लग रहा है कि 37 प्लस माइनस 2 का रेंज होना चाहिए। पुदुचेरी इसका भी कंपटीशन थोड़ा सा बोलना मुश्किल है, लेकिन 30 का रेंज में मेरे हिसाब से आना चाहिए। तेलंगाना में भी इस बार वैकेंसीज क्या है बहुत ही कमती है, 35 वैकेंसीज कमती है, लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि जो स्टेट का वैकेंसीज डाउन है अभी, अगर रिमेनिंग तीन बैंक जो है वो अगर अपना वैकेंसीज रिपोर्ट कर देता है तो इन स्टेट में भी वैकेंसीज क्या होगा आने का चांसेस है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे वैकेंसीज बढ़ने का चांसेस है। ठीक है, बढ़ने का चांसेस है, तो वो भी चीजों को मैं कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए तेलंगाना का अगर उस हिसाब से देखूं तेलंगाना का भी मुझे लग रहा है 35 प्लस माइनस 2 का रेंज होना चाहिए। अगर वेस्ट बंगाल का बात करूं 39 प्लस माइनस 2 का रेंज होना चाहिए, बिकॉज वेस्ट बंगाल एक हाईली कॉम्पिटेटिव स्टेट है, इस बार अच्छा खासा 405 अच्छा खासा ही वैकेंसीज है, लेकिन वेस्ट बंगाल के लिए ये उतना ज्यादा इनफ नहीं होता। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आप लोगों को अच्छा लगा, यहाँ पे मैंने डिटेल्स हर स्टेट के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया कि जहाँ पे वैकेंसीज लास्ट ईयर के कमती है उसका भी लास्ट ईयर के बराबर है उसका भी, एंड जो स्टेट का वैकेंसीज लास्ट ईयर से ज्यादा है उनका भी क्या होने का चांसेस है, एंड हर फैक्टर को कंसीडर करते हुए मैं ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आप लोगों के लिए लाया था। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।